क्या रही है यार? गवर्नमेंट स्कीम से प्रिपेयर कर रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। ऐसे? हाँ, सब कुछ तो पढ़ लिया, टिकटॉक तो है, न्यूज़पेपर रखा है, पीआईबी वेबसाइट खोल रखी है, कंपाइलेशन है, आई हैव एवरीथिंग। इन सब को कुछ फायदा नहीं है, सब बकवास है। ऐसे क्यों बोल रही है? चल तूने सब पढ़ लिया ना, तो बता कि अटल पेंशन योजना कब रिलीज हुई थी? ये तो मैंने पढ़ा था 2004, नहीं नहीं वो तो नेशनल पेंशन स्कीम है, 2015-16 भी हो सकता है, I'll go with 2016। 2015। और जरा नोट्स दिखाई हो अपने, पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ लिख दिया है। ये 1947 से क्यों लिखी हुई हैं सारी स्कीम्स? यार जितनी स्कीम्स है ना आज तक गवर्नमेंट की, सब लिख डाली। इनमें से कुछ नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सी, सबसे पहले ये देखना है कि तू कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है और उसकी डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई या फिर नाबार्ड, तो उसमें या तो कोई रिसेंटली रिलीज स्कीम हो वो पूछते हैं, या फिर वन ईयर में कोई ऐसी ओल्ड स्कीम होगी जो न्यूज में आ रखी होगी, सिर्फ वो ही पूछते हैं। तो ये सब जो तू करके बैठी है ना, ये तू अपना टाइम वेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। यार ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब पता चल गया ना। तो फोकस ऑन टू थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ गुड कंपाइलेशन ऑफ स्कीम जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी हो, एंड द सेकंड थिंग इज गुड रिवीजन, जितना रिवाइज कर सको उसको उतना रिवाइज करो। थैंक यू यार, यू आर अ सेवियर। मस्का उसका मत मार, इतना होगा तो चॉकलेट दे दियो, ठीक है? मेरे सेशन का टाइम हो रहा है, ठीक है? और हाँ, रिवीजन के लिए मेरी गवर्नमेंट स्कीम वीडियोस देखना मत भूलना अगर पास होना है तो। अब पक्का, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दीक्षा मैम्स वीडियोस। ओके बाय।